So what is the topic for today? आप बताएंगे टॉपिक तो मैं शुरू करूंगा लेकिन जी वो थेरेपी टॉपिक नहीं है कहाँ बोला पूरा टॉपिक एक जना बताए Need for aromatherapy with solutions for man. इसका क्या मतलब है? What are we supposed to do? How man can benefit from? पहले तो need word है ना? So what is the need? समस्या है तो बताइए need. Less dependence on medicines and why? Surely. If medicines are doing well. There is a multi-trillion dollar industry that is running. Obviously, कुछ तो कर रहे होंगे। But medicines have their side effects. वो aspects जो medicine नहीं address कर पाती comprehensive treatment. Okay. Data पे बात करेंगे। मैं अभी मैम से बात कर रहा था उधर। उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। इसमें सब बीमारी का इलाज। अगर आप आयुर्वेदिक टेक्स्ट यूनानी टेक्स्ट कोई भी बुक खोलेंगे उसमें कोई भी हर्ब के बारे में जहां लिखा होगा वो इतना सब कुछ लिखा हो exactly. तो अगर ये सब कुछ ठीक कर रहा है तो फिर बीमार क्यों है लैंसेट के बारे में किसी ने सुना है व्हाट इज लैंसेट बिल्कुल क्या है लैंसेट इट इज द फोरमोस्ट जर्नल इन मेडिसिन जो टाइम मैगजीन को कहते हैं न्यूज के लिए है और टाइम मैगजीन के कॉम्पिटिटर्स हैं पर लैंसेट का कॉम्पिटिटर नहीं है लैंसेट ने जो बोल दिया मेडिसिन में वो गॉस्पल ट्रुथ है तो लैंसेट ने एक सर्वे कराया ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कितना डिजीज है दुनिया में क्या फिगर है 95 मैडम 95.4% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एली तो 4.6% सिर्फ ठीक है तो जब आंकड़ा है जब डेटा है तो हमें इंप्रेशन की क्या जरूरत है कि भी मेडिसिन से ये हो रहा है 95.4% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इल 38% है मोर देन 5 एलिमेंट्स और आप कह रहे हैं इससे ठीक हो रहा है और हमने देखा कि अगर आधा चाइना खा रहा है तो 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन तो ठीक होनी चाहिए क्यों नहीं ठीक सो दैट व्हाट वी वर डिस्कसिंग एवरी 6 मंथ्स देयर इज अ उसको छोड़ देते फायदा सब ड्रग्स का है सब नेचुरल हर्ब्स का है ड्रग्स उनको हम आयुर्वेदिक भाषा में उनको भी ड्रग कहते हैं सो व्हाट इज द नीड फॉर अरोमाथेरेपी अब बताइए एनीबडी हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश मैं मेरे को खास दो तीन जनों ने बोला कि हिंदी ज्यादा यूज करेंगे तो मैं वो यूज कर रहा हूं बट सपोजिंग समबडी इज फ्रॉम चेन्नई बैंगलोर जो नहीं समझते हो हिंदी चलेगा दोनों मिक्स नहीं आप अनकंफर्टेबल है मैं दोनों दोनों चीज को कर लूंगा इट इज बेटर फॉर मी टू आस्क ओके सो व्हाट इज द नीड प्रीति मैम यू आर अ डॉक्टर यू शुड नो अबाउट लैंसेट You are a PhD So what is अभी हमने discuss किया What is the need for aromatherapy or any other new system? नहीं चीज है जैसे अभी जो भी medicine चल रही है they are more on curative side की disease हो गई तब cure करेंगे but preventive side में जो है sir ma'am तो ये बोल रही है कि वो cure भी नहीं कर रहे flu cure करते हैं yes or no नहीं डायबिटीज क्योर करते हैं क्रॉनिक डिजीज नहीं करते हैं सर फ्लू तो क्रॉनिक नहीं है सर हाँ फ्लू नहीं है सर हेयर फॉल क्योर करते हैं नहीं तो क्या क्योर कर रहे हैं मैम तो ये बोल रही हूँ कुछ भी क्योर नहीं कर रहे सर जी मैम बेसिकली यू नो
शुरू करी तो आप सारी उम्र खाएंगे ना, फिर ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना। अभी हम पहले देख रहे हैं नीड पे, एलोपैथिक को हम बैड माउथ करने नहीं आए हैं। आई एग्जैजरेट, डोंट टेक माई थिंग्स टू सीरियसली। जी सर, घर पे किसी को कोई जुकाम है, बुखार है, कुछ है तो वहां के पास एलोपैथिक मेडिसिन दे दो। जैसे सर नीड तो बता दो सर, टू रिड्यूस द सफरिंग, टू टाइम जल्दी। अरे अभी तो हमने आंसर डिस्कस कर लिया, उसके बावजूद सो रहे हैं सब चाय पीने के बाद। सर काफी 95.4% लोग बीमार हैं, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री चल रही है और आपके लिए नीड नहीं है एरोमाथेरेपी की। अरे और क्या चाहिए आपको? 95% लोगों को बीमार कर दिया है या हो गए हैं और एक सिस्टम चल रहा है जिसमें 70 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री चल रही है। 70 ट्रिलियन जीरो गिने आपने, यूएस डॉलर, वो इंडस्ट्रीज चल रही है और फिर भी लोग 95% बीमार है। तो आपके लिए तो बेस्ट है मार्केट बनी हुई, क्या चाहिए आपको? किसी को बीमार करने की जरूरत नहीं है आपको बीमार ऑयल देने से पहले। आप तो ये बोलेंगे भाई बीमार है आजा मेरे पास, और अगर आपने 5 में से 4 केस ठीक कर दिए आप किंग है। ये नीड है, ये नीड नहीं है कि किसी को जुकाम हो गया मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक की जगह कुछ और खिला दिया। नीड ये है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपके सामने खड़ी कर दी है लोगों ने। किसने? आपने खड़ी करी है? किसने खड़ी करी है? अरे बहुत बढ़िया काम हो गया हमारे लिए। ये वर्कशॉप तो 5 साल पहले से स्टार्ट होना चाहिए था, मैं सर को हमेशा बोलता हूं। और जो ये वर्कशॉप कर रही है कि अगर आप 40 जने हैं यहां तो आप 40 एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं उस इंडस्ट्री में जहां 95% मार्केट है। आपकी सारे बीमार है 38%। मेरा डेटा नहीं है भाई, आयुर्वेदा का डेटा नहीं है ये कि आप एलोपैथी के एक डॉक्टर आके गए अरे आप झूठ बोल रहे हैं जी, ये तो लैंसेट का डेटा है, किसी आयुर्वेदिक जर्नल का नहीं, बहुत बढ़िया जर्नल का, बहुत साइंटिफिकली स्टडी गई। उसके बाद देखा गया कि 38% है मोर देन 5 एलिमेंट्स, तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को 5 बीमारियों से ज्यादा है। आप तो एक को पकड़ लें। इससे अच्छी नीड है कोई? पूरी इंडस्ट्री बता दीजिए कोई भी जहां पे आपको 100% वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी मार्केट। मैम एग्रीकल्चर में 100% मार्केट है? नहीं है। सर मशीनरी में 100% मार्केट है? नहीं है। सर मैम परफ्यूम बनाती है कोई 100% मार्केट है? नहीं है। ये मार्केट 100% ऑलमोस्ट एंड इट्स इंक्रीजिंग। कोई डाउट है कि आप गलत जगह बैठे हैं? अभी किसी को डाउट है? 2 दिन के बाद तो वैसे डाउट नहीं रहना चाहिए, बट अब क्या डाउट है? आप तो ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप सोचिए कि अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कल सुबह। तो वेयर डू आई कम इन? जस्ट फॉर 1 मिनट आई विल गिव यू ब्रीफ। आई एम एन एमटेक फ्रॉम आईआईटी, आई एम हार्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं फार्मा से दूर दूर तक नहीं जुड़ा हुआ। 26 साल हो जाएंगे नवंबर में व्हेन आई स्टार्टेड अ स्मॉल चैरिटी यूजिंग अरोमा ऑयल्स। फॉर 25 ईयर्स आई डिड रिसर्च एंड आउट ऑफ दोज 25 ईयर्स 23 ईयर्स वी डिड चैरिटी ऑन ट्यूजडे एंड सैटरडे। इट ऑल स्टार्टेड विद माई ग्रैंड मदर, माई दादी हु कुड नॉट वॉक, एंड माई फादर सेड मैं तुम्हारे घुटने नहीं बन पाऊंगा। तो शी क्राइड एंड शी केम टू मी एंड शी सेज व्हाट डू आई डू। सो माई फर्स्ट सेट ऑफ रिसर्च मेड ए ऑयल फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। टूडे आई वुड हैव मे बी सेव्ड फॉर 10,000-12,000 ट्रांसप्लांट्स या रिप्लेसमेंट ऑफ द नी। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि 95% लोगों की नी रिप्लेसमेंट नहीं होगी अगर आप हमारा कॉम्बिनेशन यूज करें। सो कट द होल स्टोरी शॉर्ट, वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर देयर आर सर्टेन कंसर्न्स थ्रू माय जर्नी आई कैन शेयर विद यू
एंड आई विल यूज योर एग्जाम्पल नॉट टू से कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. सो मैम गेव मी अ ब्रोशर विच हैज अ लॉट ऑफ क्लेम्स ऑन इट. व्हेन यू मूव इनटू अ फील्ड एंड यू आर मूविंग बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द वर्कशॉप. सो जब आप इस फील्ड में घुस गए हैं तो आप कल को कुछ अच्छा बनाएंगे. आप देखेंगे कि आपके बच्चों का जुकाम हट गया विद इन 3 आवर्स. एग्जाम्पल, तो आप सोचेंगे कि मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है. अभी किसी ने, मैम ने मेरे को बताया कि कोई उनकी फ्रेंड है, उन्होंने कैंसर ठीक करा ऑयल यूज करके. एक पेशेंट ऐसे, जब मेरे पास 10,000 केस थे तो मुझे एम्स के डायरेक्टर ने देखे इसको टेस्ट करने के, और वो गलत नहीं थे, वो मेरी हेल्प कर रहे थे. आज से 3.5 साल पहले आई शोड हिम 4,000 केसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स दैट वी हैड क्योर. दिस इज ऑल रबिश, थ्रो देम इन द डस्टबिन. आई सेड सर क्यों, इसमें ना इंडिपेंडेंस है, ना इसमें डबल ब्लाइंड स्टडी है, ना इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स कहां हैं? तो मैम व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अ ब्रोशर लाइक दैट, अगर आपके ब्रोशर में ये गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, आप ऑयल बनाना जानते हैं, परफ्यूम बनाना जानते हैं, फ्रेग्रेंस बनाना जानते हैं, आप कर चुके हो. अब आप कहते हैं कि दिस इज एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी ऑक्सीडेंट और कोलेस्ट्रॉल तक सपोर्ट करता है. इतने सारे क्लेम, बहुत दूर की बात है, आप एक क्लेम भी नहीं कर सकते इसमें से. नोट कर लीजिए कि इफ यू स्टार्ट योर करियर इन टू अरोमा, unless you're making perfumes and soaps and candles and agarbattis, if you're making any drug, and drug does not mean allopathic or anything like that, anything which prevents, treats, cures a disease is a drug. The regulatory world is becoming stricter and stricter. In fact, today is the last day in Ayush where new norms set in from tomorrow. So if you tomorrow want to go and get a new license in Ayurveda, you will have to follow the new norms. So when you are starting your thing, one, there is a big market. Big market does not mean you start doing everything. So if you build an industry out of agriculture, you are building it out of, say, diabetes. मैम इज डूइंग PCOD, पॉलिसिस्टिक ओवरी. सर घुटने का इलाज कर रहे हैं, तो आप उस पर फोकस करें. सो फर्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन द राइट प्रोडक्ट. सो फ्रॉम टूडे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट इज द प्रोडक्ट यू विल फोकस ऑन. जैसे अभी पीछे मैं सुन रहा था जब सर बात कर रहे थे, उनका कुछ फॉर्मुलेशन मिल जाती है, या आदमी बनाता है, या टेक्स्ट से देखता है, R&D से देखता है, कहीं से देखता है, और अपने एक्सपीरियंस को मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन बनाता है. So you need to first test it, anecdotal data. So if you have 20 people in your family who are becoming better, it's anecdotal data. Use the anecdotal data to get into a trial. Trial is going to be expensive. Otherwise, you get attached to somebody who's done the trial. So aapka kaam chalega, because business setup karna hai. Are you an inventor or are you a businessman? Ye sab answer karenge. सोच के 2 मिनट सोचिए पहले, आर यू एन इन्वेंटर और आर यू बिजनेसमैन, और यू वांट टू बी एन इन्वेंटर और मे बी बोथ, तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी इन्वेंटर्स? इन्वेंटर्स ओके, बोथ को बाद में देखते, पहले इन्वेंटर्स ओनली. हाँ, सो वी हैव 4-5 people, 6, हाउ मेनी वांट टू बी बिजनेस पीपल? सो मेजोरिटी एंड बोथ इन्वेंट. So we have, inventors are slightly in a minority. So people who are inventing will have a different set of rules and regulations that you need to follow. If
you want, I will touch upon it slightly. For business people, this becomes an opportunity because your market is huge and you should tag on to somebody or join with somebody who is already dealing in proven products. If you want to sell barely essential oils, there are no very few regulations. I won't say no, but there are few regulations. So, wo to aap apna business start kar sakte. But if you want to get into the real power of aromatherapy, which is healing and curing people, which is where the market is huge, then you need to club hands, join hands with somebody who's already in the proven space. If you are inventing and proving and doing business together, we have 7-8 people, aap hi the. You need to follow both. Regulatory as well as this. Business people ko koi problem nahi hai. Because in Ayush, so aromatherapy ideally will fall under Ayush. You may say, okay, I will use aromatherapy as a diffuser mechanism or agarbatti, then you are out of Ayush. But if you are saying, the moment you say aromatherapy I am using to cure or treat or prevent an illness, then you fall under Ayush. Okay? So don't practice treating people without having a license. If you don't have a license, have an Ayurvedic doctor in your business premises. At least that will save you. Yaad rakhna hai. Sanjay ji, theek hai? Bilkul. So, what is the need? The need is a big market. People are suffering. This has, so going by the treatment, the earlier text proved that this is treating well without side effects. Anecdotal data is proving that. Trials are proving that. Trials are not that many as in allopathy. So that area needs to be built up. Ab aaiye aap next step. What is the next step? Regulatory. Ayush is your regulatory one. When you do trials, do it under Clinical Trial Registry of India. So I'm not going to take too much time, but I'm going to give you information so that you know where to go. So Clinical Trial Registry of India means you go to it's a body which has been mandated by the Supreme Court to follow, to regulate trials in the country. So all allopathic or good trials in Ayurveda also are done under CTRI. So when you go to CTRI, they will ask you for ethics committee approval, then so various norms they will ask you to fulfill, and that's what makes the trial big, expensive, and beyond our control at times. It depends on what trial you're using and how. So supposing we do a trial for, say, Alzheimer. So what will we need? We will need an MRI at the beginning, middle, and at the end to see how the neurons are changing by use of oil. Each MRI is going to cost us how much? 15,000 rupees. 200 जनों की ट्रायल है तो 45,000 रुपए के तो एमआरआई हो गए. डॉक्टर फीस, प्रोडक्ट, रेगुलेटरी, इट विल कॉस्ट अ कपल ऑफ करोड़. सो इफ यू डू से ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट्स चीपर बिकॉज स्कैन्स आर द एक्सरे स्कैन्स आर चीपर देन एनीथिंग एल्स. सो यू वांट टू सी हार्मोनल चेंजेस इन पीसीओडी. Means blood test, FSH, blah blah blah. So cost depend on what kind of trial you are doing. So second is CTRI, and then you need to get a manufacturing license under Ayush. So there are three kinds of licenses that may be available to you. One would be Ayush. One is phytopharmaceutical. You understand the word phytopharmaceutical? What is it? These are divided plant derivatives. But what is the difference between an Ayurvedic drug, which is also plant derived, and a phytopharmaceutical? So these are only tips I'm giving you. We'll come to main thing later. What is the difference? Bolo, aap galat ho,
फाइटोफार्मास्यूटिकल है, इसमें भी तुलसी है, इसमें भी तुलसी है, बढ़िया आयुर्वेदिक है, ये क्या फर्क है? नो, वो था नेचुरल. आप कुछ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स वी टेक द मेन कंपोनेंट व्हिच इज डिसीज, बट इन आयुर्वेदा वी यूज ऑल द एक्सट्रैक्ट ऑफ द मेडिसिन. दैट इज वन डिफरेंस. द सेकंड इज आयुर्वेदिक ड्रग्स आर यूजुअली पॉलीहर्बल, फाइटोफार्मास्यूटिकल इज अ सिंगल हर्ब. सिंगल हर्ब विद नॉट वन एक्टिव, मे बी फोर एक्टिव्स, बट दे नीड टू आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉम्पोनेंट. In Ayurveda, we don't need to identify the active component, we just might need to write the act, the component. You isolate the component from phytopharmaceutical. Yes. So phytopharmaceutical licensing is like allopathic licensing. So Ayurvedic licensing is far simpler than phytopharmaceutical. So for example, the market today is selling a lot of curcumin. So that should fall in phytopharmaceutical. It depends on what is the claim statement that they have made. If I say this bottle of oil can take care of my pain in the knee, it has a different claim statement, and I say this oil can treat my osteoarthritis, is a different statement. If I have a pain oil, I don't need a bigger trial for that. I just need references from Ayurvedic text to get that license. If I say this is osteoarthritis, I need to have a proper trial for. So claim statements are also very important. Where we came, took ma'am's brochure and we said, so that's a claim. This is a claim statement. So when you put a label, when you have an advertising, when you have an online, or you speak from your mouth, don't make claims which are not clinically validated.